दोस्तों हम अगर इसको निकालेंगे तो हम कैसे निकल पाएंगे? देखो दोस्तों, 6 से 7 आ गया, 7 से 11, 11 से 20, हम इसको कैसे निकल पाएंगे देख लो। तो हम सबसे पहले करेंगे इनके डिफरेंस हम देखेंगे। तो अगर 6 से 7 आ गया तो कितना हो गया, +1 हो गया। 7 से 11 आ गया तो हमें कितने मिल जाएगा, 4। 11 से 20 आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, +9। देखो अब गैप, आप देखो 1, 4, 9, यानी कि हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, ये मसला आ गया ना। तो यानी कि 9 हमें 3 स्क्वायर करने के बाद मिली, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 16। तो हमें यहाँ पे 20 के साथ 16 प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएगा, 36। 36 जो कि हमारा डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखो हमें यहाँ पे कैसे क्या मिलेंगे, 1, 2, 6, 24, 120। तो यहाँ पे हमारा क्या संख्या आएगा, तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम वही करेंगे। देखो 2 हमें कैसे मिल गया, 2 हमें मिल गया 2 इंटू 1, तो 2 मिल गया। तो 6 हमें कैसे मिल गया, देखो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो हमें 6 मिल गया। ठीक है, इज इक्वल टू 6। फिर हमें 24 कैसे मिल गया, 6 इंटू 3 प्लस 6, तो हमें मिल गया 24। ठीक है, 24 हमें मिल गया, तो 120 कैसे हम मिल जाएंगे, 24 इंटू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, 120। तो यानी कि नेक्स्ट लॉजिक हमारा क्या होगा, 120 इंटू 5 2 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ जाएगा, प्लस 120 हमें कितने मिल जाएंगे, 360। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने हो गया, 360, जो कि हमारा डी वाला राइट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है 12, 22, 42, 72। ये बिल्कुल इजी है, अगर आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो हम इसकी गैप लिखेंगे, तो हमें 12 के साथ क्या प्लस करेंगे तो हमें 22 मिल जाएंगे, 10। ठीक है, 10 से हम 22 से हम क्या प्लस करेंगे, 42 हमें मिल जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे कितने प्लस करने का, 20। ठीक है, फिर 42 से हम क्या प्लस करेंगे तो हम 72 मिल जाए, तो हमें यहाँ कितने मिल जाएंगे, 30 प्लस करने पड़ेगा। ठीक है, इससे हम क्या प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाली संख्या मिल जाए। देखो 10 प्लस किया फर्स्ट, 20 प्लस किया, फिर हम 30 प्लस किया, यानी कि हमें 40 प्लस करने पड़ेगा। 72 के साथ हम 40 प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, तो हमें मिल जाएंगे 112, यानी कि हमारा डी वाले राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? दोस्तों हम इसको कैसे निकालेंगे, 6 है, 12 है, 36 है और 144 है। ठीक है, हम देखेंगे 6 से 12 हमें कैसे मिल जाते हैं। ठीक है, हम इसको अगर हम 2 से इंटू कर देंगे 6 को, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 12। 2 इंटू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे मिल जाएंगे, इंटू 3 करेंगे, तभी तो हमें 36 मिल जाएंगे। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, अगर हम इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 44 मिल जाएंगे, 144 मिल जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाली संख्या तो आएगा, हमें कितना करेंगे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। ठीक है, हम 5 से मल्टीपुल करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5 0 मिल जाएंगे, 0 2 5 1 5 और 1 7, यानी कि 720, तो हमारा बिल्कुल राइट वाली आंसर राइट है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ गया तो आप बिल्कुल कमेंट करें या पोस्ट करके दोबारा देखें। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे कर पाएंगे, जहाँ पे 7 के बाद आ गया 9, 9 के 12, 17, 24, 35। सबसे पहले हम इसकी डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ तक हम डिफरेंस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2, यहाँ तक डिफरेंस आ जाएगा तो हमें कितने मिल जाए, +3, यहाँ तक डिफरेंस आ जाए तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5। ठीक है ना, तभी तो मिलेगा, तो यहाँ तक हम आ जाएंगे तो हमें कितने डिफरेंस मिल जाएंगे, प्लस, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ से हम करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 11 प्लस, यहाँ पे कैसा संख्या आ जाएगा तो हमें इसके साथ प्लस करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 के साथ हम 9 आ जाएगा तो हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, 9 के साथ हम 3 प्लस करेंगे तो अभी हमें 12 मिल जाएगा, 12 के साथ 5 प्लस करेंगे तो 17 मिल जाएंगे, 17 के साथ हम 7 प्लस करेंगे 24 मिल जाएंगे, 24 के साथ हम इसको
24 के साथ हम 11 प्लस करेंगे तो अभी हमें 45 35 मिल जाएंगे, 35 के साथ हम क्या प्लस करेंगे तो अभी हमें नेक्स्ट वाली मिल जाएगी। एक्सिस ध्यान रखो 2 3 5 7 11, यानी कि जितने भी नंबर हमारे निकल के आ गए हैं सभी डिफेंट नंबर निकल के आई है, ठीक है, जो हम डिफेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसके साथ हम 13 प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 48 मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। दोस्तों अगर हम इसको निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को हम 2 से इंटू करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, 4 के साथ हम 1 माइनस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 को हम 3 से इंटू करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, 9 के साथ हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है जो पैटर्न शुरू हो रहा है, तो 8 के साथ हम 8 को पूर्ण 8 के साथ हम 4 इंटू करेंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया तो हमें कितने मिल जाएंगे, 32 मिल जाएंगे, 32 के साथ 1 माइनस करेंगे तो हमें 31 मिल जाएंगे, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, 31 को हम 5 से इंटू करेंगे, जैसे 2 3 4 5 तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5 1 5 15, 155 माइनस हम करेंगे 1 तो हमें कितने मिल जाएंगे, 154, ठीक है, जो कि हमारा 1 नंबर राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों इतना आप लोग समझ में आ गए। दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, 16 से 20 हो गया तो हमारा कितना प्लस हो गया, 4, 20 से 29 हो गया तो यहाँ पे कितना प्लस हो गया, 9 प्लस हो गया, 29 से 45 हो गया हमारे यहाँ पे कितना प्लस हो गया, 16 प्लस हो गया, 45 से 70 हो गया यानी कि हमारे यहाँ पे 25 प्लस हुआ। ये जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न आपको बता गया, 4 9 16 25, यानी कि 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 6 हमारा कितना, 37, 37 के साथ 70 के 37 हम प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, उतना ही हमारे यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। 70 के साथ हम 36 प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 610, यानी कि 106 हमारा ये बने राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। दोस्तों हम दूसरा देखेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नंबर सीरीज कैसे कर सकते हो। 13 से 17 आ गया तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, 13 से 17 तो हमें कितना हो गया, हमें प्लस 4 आ गया, यहाँ पे आ गया तो 17 से 15 आ गया, माइनस 2 कर पाएंगे, यहाँ से आ गए फिर प्लस 4 कर पाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो माइनस 2 कर पाएंगे। देखो कैसे आ गया, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो कि हमारा प्लस 4 आ जाएगा, इसके साथ प्लस 4 करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 21 मिल जाएंगे, जो कि फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो। इसको हम कैसे कर पाएंगे, देखो दोस्तों 307 303 299 295, यानी कि धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, माइनस 4, ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ से हम यहाँ तक घटेंगे जाएंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, माइनस 4 घटेंगे तभी तो इतना मिल जाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो माइनस 4 ही आ रहा है, यानी कि माइनस 4 की डिजिट चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो हमें कौन से संख्या मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से माइनस 4 कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 291, जो कि हमारा ये वाली राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों देखो दोस्तों हम इसको करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले देखो 36 की नज़दीकी संख्या कौन सा है, 39, तो हम 11 से यहाँ से जाएंगे तो हमें कितने प्लस करना पड़ेगा, प्लस 3, तभी तो 39 मिलेंगे, ठीक है। इससे अगर हम दो संख्या आगे चले जाएंगे, नज़दीकी कितने मिल जाएंगे, 42, फिर प्लस 3 हो गया हमारा, इससे हम दो संख्या और आगे चले जाएंगे, 45, जो कि हमारा यहाँ पे भी प्लस 3 मिल रहा है, ऊपर से हम नहीं कर सकते, ऊपर देखते हैं, जैसे 49 की नज़दीकी हम देखेंगे तो है हमारा ये, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, प्लस 4, इससे हम थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 57, यहाँ पे भी प्लस 4 हमारा मिल गया डिजिट, इससे हम और दो संख्या आगे चले जाएंगे, 57 45, यहाँ दो संख्या आगे जाएंगे प्लस हमारा 40 आएगा डिजिट, तो यहाँ पे हमारे कितने मिल जाएंगे, 61 मिल जाएंगे। ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, जो कि प्लस 3 दो संख्या के बाद ही आ रहे हैं। अगर इसको आप करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो, 51 की नज़दीक हम क्या पाएंगे, दो संख्या निकल जाएंगे, 54, यानी कि हम यहाँ पे भी प्लस 3 आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर इससे भी और दो संख्या हम आगे चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 54 57, प्लस 3, समझ में आ रहा है, तो हमारा ये डिजिट आ रहा है जो 60, ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हम इसको कैसे कर पाएंगे, देखो यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 11, यानी कि 11 को आप छोड़ सकते हो, 38 50 63 77, ठीक है। हम अगर 38 से 50 तक हम चले जाएंगे तो कितना प्लस हो गया यहाँ पे, 12, ठीक है, पैटर्न समझिएगा, 50 से हमारा 63 आ गया तो हमारा कितने प्लस हो गया, 13, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 14, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्लस होगा यहाँ पे 15 प्लस होगा, इसके साथ 15 प्लस करेंगे जो संख्या आएगा वही हमारा होगा, ठीक है। हम इसको प्लस करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 1192, जो कि हमारा सी वाले राइट आंसर है, ठीक है।
दोस्तों आप यहाँ पे एक्सिस देख सकते हो कि यहाँ पे 31 है, 17 है, 48 है, 65 है, 113 है। तो हम अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 48 मिल जाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं 31 प्लस 17 करेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 48। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 17 प्लस 48 करेंगे तो हमें 65 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 48 प्लस 65, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 113। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हम करते हैं 65 प्लस 113 178 हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा हमारा, 178, जो कि हमारा टेबल गाइडेंस है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जितने भी हम रीजनिंग की, ये सारी रीजनिंग आपको पसंद आए तो नेक्स्ट रीजनिंग के लिए हमारे चैनल ब्लॉक को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आपको सारी एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।